नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की एक दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है और इस दौरान राज्य में विकास के ढेरों काम हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन की रही है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का शासन आने पर मध्य प्रदेश में विकास की गति पर ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भी बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास के हर काम का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उसने डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया। आज यही डिजिटल पेमेंट भारत की शान है। इससे पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का काफिला जब सड़क पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के नाम के गगनभेदी नारे लगाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद से पारित होने के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा की महिला नेताओं ने संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ की सरकार ने युवाओं को अवसर नहीं बल्कि धोखा दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को भी निशाना बनाया। पीएम ने मौजूदा समय को भारत का समय बताया है और कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो अवसरों को गवा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने चलाई वो 0 नंबर पाने की हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाते हुए भरोसा दिलाया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों का अभिवादन व्यक्त किया। अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजस्थान की यात्रा के दौरान जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा ये प्रतिमा अंत्योदय के संकल्प को याद दिलाएगी और ऊर्जा का स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर हम जी रहे हैं उनसे प्रेरणा पाकर हम जी रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा व समर्पण का विराट प्रतीक है। गृह मंत्री ने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। लोक उद्यम विभाग यानी डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के समर्थन और स्कोप के सहयोग से
सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया है। दो दिवसीय कार्यक्रम का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान आयुष्मान भव अभियान के तहत बीते 8 दिनों में 16 लाख नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम 50 लाख से अधिक का समुदाय बन गए हैं। मैं उन सभी का आभारी हूं जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आवास न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सबसे खराब है। उन्होंने कहा अगर प्रदूषण को कम करना है तो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ठीक करना होगा, न कि फ्री का लालच देना चाहिए। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा शिमला में विधानसभा का घेराव कर चुकी है। पार्टी का कहना है कि इस घेराव के दौरान प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, संस्थान बंद करने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए गए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में बताया कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थीं, जिन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। घटना सामने आने के बाद प्रशासन छानबीन में जुट गया है। बिहार में 2016 से ही शराब बनाने, इसके सेवन और भंडारण पर रोक है। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दलित महिला द्वारा तय समय पर कर्ज का ब्याज नहीं चुकाए जाने पर कुछ दबंगों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। बिहार में दलित महिला के साथ हुई अभद्रता मामले पर भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में महादलित महिला के साथ हुई घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण बिल पारित कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में महिलाओं के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। बिहार में दलित महिला के साथ हुए शर्मनाक व्यवहार पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि महिला के साथ ऐसा व्यवहार पूरे देश के लिए शर्म की बात है। बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को प्रदेश में एक बार फिर डेंगू के 289 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस वर्ष मिलने वाले डेंगू मरीजों की संख्या 4,457 पर पहुंच गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया है कि पटना में 100, भागलपुर में 19, मुंगेर में 18, बांका में 27 और बेगूसराय में 15 नए डेंगू मरीज मिले हैं। विभाग के अनुसार अकेले सितंबर महीने में 4,182 डेंगू पीड़ित मिल चुके हैं। केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ दिल्ली में दर्ज मामलों में ईडी केरल में 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। देश के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह 8:35 पर महसूस किया गया, वहीं दूसरा झटका बंगाल की खाड़ी में 9:38 पर महसूस किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कल 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। कॉन्क्लेव में देश के उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी देखी जाएगी जो शहरी नवाचार में आगे रहे हैं। केरल में पिछले कुछ समय से निपाह वायरस के कहर के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। निपाह वायरस के मद्देनजर कोझिकोड में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा उसके साथियों की तलाश में 48 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पंजाब के जीरा, मखू और कई जगहों पर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सभी शासकीय सेवारत थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत केरल में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम के पुआचल में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान जनपद कानपुर देहात में भी देशभक्ति के जज्बे और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है, और जनपद में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए निकले। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर गांव से मिट्टी और चावल एकत्र किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य लोगों में एकता और अखंडता की भावना को मजबूत कर मातृभूमि की रक्षा के प्रति भावना को उत्पन्न करना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा में भी गांव, कस्बों और तहसीलों में ये अभियान तेजी से चल रहा है। देश के अमर जवानों को याद करते हुए लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मथुरा के नेहरू युवा केंद्र मथुरा द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। 30 सितंबर तक गांव-गांव में अमृत कलश यात्रा जाएगी और घर घर से मिट्टी एकत्र की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अभियान जारी है। यहाँ रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष भाजपा राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई में हर घर से मिट्टी ली जा रही है। अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देश भर की तरह झारखंड में भी इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में रांची से सटे नगड़ी में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्कूली बच्चों ने गांव में स्वच्छता रैली निकाली। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, यूनिसेफ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। एक और छोटा सा ब्रेक। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। साथ ही साथ स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता संबंधित पेंटिंग्स एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। दिल्ली में साहित्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तकों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और प्रसिद्ध पत्रकार रामबहादुर राय उपस्थित रहे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में 4 दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15 अंक मजबूत हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सपाट रहा। इसमें केवल 0.30 अंक यानी 0% की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19674.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे। बजाज फाइनेंस के शेयर 4.45% तक चढ़े। सेंसेक्स के शेयरों में 15 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस और सनफार्मा सेंसेक्स के टॉप 5 लूजर्स रहे। सबसे ज्यादा नुकसान इंफोसिस के शेयरों को हुआ। विदेशी बाजारों के मिले जुले रुख के बीच दिल्ली थोक बाजार में आज खाद्य तेल समेत सभी खाद्यान्न में टिकाव रहा। तेल तिलहन के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में घटबढ़ के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम रहे
दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। टाटा मोटर्स ने आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL को हाइड्रोजन फ्यूल बसों की आपूर्ति की। मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन, IOCL के अध्यक्ष SM वैद्य, IOCL के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव और टाटा मोटर्स के अध्यक्ष एवं मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी राजेंद्र पेट कर रहे। एक अध्ययन के मुताबिक पूरे भारत में उपभोक्ता इस साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए पहले से अधिक उत्साहित हैं। 81% ग्राहकों ने इसे लेकर इस बार मजबूत इरादा और इच्छा व्यक्त की है। 78% ग्राहकों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा है। एक और छोटा सा ब्रेक। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने बयान कर कहा कि इन ऐप को जल्द ही लॉन्च होने वाले मेड इन इंडिया इंडस ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO को पहले दिन अब तक 28% सब्सक्राइब किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात कर काराबाख क्षेत्र के नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। अजरबैजान में हजारों आर्मेनियाई लोग नागोर्नो काराबाग के टूटे हुए क्षेत्र से निकल गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका निर्मित अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंच गए हैं। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा मंत्री उमेरो की ओर से अच्छी खबर है, अब्राम्स पहले से ही यूक्रेन में है और हमारी ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यूरोपीय संघ आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि उत्तरी कोसोवो में पुलिस और जातीय सर्ब बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। 3 हमलावरों और 1 पुलिस अधिकारी के मारे जाने के बाद पुलिस ने रविवार देर रात मठ पर कब्जा कर लिया। हांगकांग के एक पत्रकार संगठन के प्रमुख को पिछले साल सितंबर में पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डालने के लिए 5 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। मिस्र में कला प्रेमी एक संग्रहालय में कला इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद हामदी के आसपास इकट्ठा होते हैं, जिसमें मिस्र के अंतिम राजा राजा फारूक से संबंधित संग्रह है। प्रोफेसर हामदी का कहना है कि उन्होंने इतिहास को कला से जोड़ने के लिए रस्म मिस्र या ड्राइंग इजिप्ट पहल शुरू की है।
इराकी होम फाउंडेशन फॉर क्रिएटिविटी बगदाद में बगदाद गेट परियोजना पहल के तहत अनाथों की मदद करती है। संस्था के प्रबंधक हिशाम अल जहाबी ने कहा, इसका उद्देश्य कई युवाओं के लिए नौकरी का अवसर पैदा करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सरकारी अनाथालयों और हमारे अपने अनाथालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। हुआवेई टेक्नोलॉजीज ने अपने नवीनतम मेट 60 स्मार्टफोन श्रृंखला सहित नए उत्पादों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जिसकी बेजिंग में ग्राहकों ने प्रशंसा की। ये कार्यक्रम एक संकेत था कि कंपनी ने यूएस को पछाड़ दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के तट रक्षक ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में फिलीपीन जहाज को रोकने और उसे खदेड़ने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। चीन की युवा पीढ़ी सुविधाजनक और फैशनेबल कार डिजाइनों को पसंद कर रही है। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी और मध्य शरद ऋतु महोत्सव में चीन के लोगों द्वारा किराए पर नई ऊर्जा वाहनों को बुक किया जा रहा है। आईएईए के नवनिर्वाचित प्रमुख ने वियना में कहा कि ईरान केवल ये साबित करने में सक्षम होगा कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है यदि तेहरान संयुक्त राष्ट्र के निगरानीकर्ता के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा। राफेल ग्रॉसी ने 67वें आम सम्मेलन में ये बात कही। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्रियों में से एक ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म स्टार सोफिया लॉरेन की जिनेवा में अपने घर में गिरने के बाद सर्जरी हुई है। कोसोवो के उत्तरी गांव में पुलिस और अशांत क्षेत्र में जातीय सर्ब बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने के बाद पश्चिमी बाल्कन के लिए जर्मन विशेष प्रतिनिधि मैनुअल साराजिन ने प्रिस्टिना में कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती से मुलाकात की। जर्मन विदेश कार्यालय ने हमले की निंदा की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस आर्मेनिया को अपना सहयोगी मानता है और उसके नेतृत्व के संपर्क में रहता है, लेकिन नागोर्नो काराबाख की स्थिति के लिए मॉस्को को दोषी ठहराने के येरेवन के प्रयासों को खारिज किया गया है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनश्शे दामुकाना सोमावारे ने चीन द्वारा आगे बढ़ाए गए कई पहलों की सराहना की। क्रीमिया में अपने कई कृषक सहयोगियों के विपरीत निकोलाई प्यानिक ने इस गर्मी और शरद ऋतु की शुरुआत में डीजल की कीमतों के आसमान छूने के नकारात्मक प्रभाव को खारिज किया है। चीन राज्य निर्माण इंजीनियरिंग निगम के विशेषज्ञ मिस्र के निर्माण पेशेवरों के साथ मिलकर तटीय न्यू आलामीन शहर में 5 आवासीय गगनचुंबी इमारतों की मुख्य संरचनाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। एक और छोटा सा ब्रेक। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, सोच कर समझ कर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए आप खबरों को आगे बढ़ाते हैं। रोमांचक मुकाबले में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में श्रीलंका के सामने जीत के लिए 117 रनों का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 97 रन ही बना पाई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली, वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने 42 रन बनाए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों ने भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रकेश पाटिल और दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 19वें एशियाई खेलों में रोइंग पुरुष फोर स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6 मिनट 10 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीत लिया। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज का रोइंग का दूसरा पदक जीत लिया है। पुरुषों की क्वाड स्कल स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। 19वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारत ने एशियाई खेलों में शूटिंग में 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशांत देव ने 71 किलोग्राम भार वर्ग के मुक्केबाजी स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। एक और छोटा सा ब्रेक। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं कह जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत की रोशिविना नावरेम देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वुशु के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही रोशिविना नावरेम देवी ने 19वें एशियन गेम्स में एक पदक भी पक्का कर लिया। इटली के मार्को ने भारत में पहली बार आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 में जीत दर्ज की। जाने माने अभिनेता और मॉडल हुसैन कुआरेज वाला 8 वर्ष बाद फिर से इंडियन आइडल सीजन 14 को होस्ट करने जा रहे हैं। निर्देशक अतुल गर्ग की फिल्म कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज की शूटिंग शुरू हो गई है। लगभग 6 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता फिल्मकार देवानंद का कल जन्मदिन है। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की फिल्म बबली बाउंसर के प्रदर्शन के एक साल पूरे होने पर तमन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सीन साझा किए। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वो जल्द ही सलमान खान के साथ एक बार फिर काम करने वाले हैं। शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के प्रमोशन में व्यस्त हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और गायक योयो हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर काला स्टार का टीजर आउट किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।